पूरा मामला मैं समझाता हूँ। असल में असम विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे की छुट्टी नहीं मिलेगी। असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह प्रथा मुस्लिम लीग के सैयद सदुल्ला ने 1937 में शुरू की थी। इस ऐतिहासिक फैसले के लिए उन्होंने स्पीकर विश्वजीत देमारी और विधायकों का आभार जताया है। दरअसल असम विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए ब्रेक देने के ब्रिटिशकालीन नियम को खत्म करने का फैसला किया है। अब से मुस्लिम विधायकों को जुमे का नमाज पढ़ने के लिए कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। ये फैसला असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत देमारी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया है। बीजेपी विधायक विश्वजीत फुकन को उनके मुताबिक सर्वसम्मति से ये फैसला किया गया है। उन्होंने कहा है कि भारत में ब्रिटिश काल से ही असम विधानसभा में हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए ब्रेक दिया जाता था। हर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच 2 घंटे का ब्रेक होता था, जिसमें मुस्लिम विधायक नमाज अदा करने थे। लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है, लिहाजा अब कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। इस फैसले के बाद से असम विधानसभा हर दिन सुबह 9:30 बजे अपना काम शुरू करेगी। हालांकि अब तक असम विधानसभा का समय सोमवार से गुरुवार सुबह 9:30 बजे से शुरू होता आया है। हालांकि शुक्रवार को विधानसभा सुबह 9 बजे से शुरू हो जाती थी, लेकिन जुमे की नमाज अता करने के लिए 2 घंटे का ब्रेक दिया जा सके। मगर चूंकि इसे बदल दिया गया है, लिहाजा अब से विधानसभा हर दिन सुबह 9:30 बजे अपना काम शुरू कर देगी। इसी को लेकर विवाद चल रहा है और इसी मसले को लेकर हमने एक सर्वे तैयार किया कि आखिर असम के मुख्यमंत्री लगातार इस तरह के संकेत क्यों दे रहे हैं और विपक्षी पार्टियां उन्हें निशाना क्यों बना रही हैं। कई सारे फैसले आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि अब काजी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि असम में बहुविवाह प्रथा को हम खत्म करने जा रहे हैं। अब ये एक और फैसला उनका शुरू हो गया। इसे लेकर हमने सर्वे कराया, सर्वे में कई सारे सवाल लोगों से पूछे। पहला सवाल जो था वो पहला सवाल कि असम विधानसभा के कर्मचारियों को जुमे की नमाज का ब्रेक नहीं मिलेगा, विधानसभा स्पीकर ने फैसले पर आपकी राय क्या है। 43% लोगों ने कहा कि साफ फैसला तो सही है। 31% लोगों ने कहा गलत फैसला है। 26% लोग कह रहे थे कि ब्रेक पर विचार करना चाहिए। और बाकी सारी जो परिस्थितियां वो आपके सामने हैं। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि असम विधानसभा स्पीकर के जुमे वाले ब्रेक का पाबंदी के फैसले की वजह आप क्या मानते हैं। 23% लोगों ने कहा कि ये हिंदुत्व का एजेंडा है। 26% लोग मान रहे थे कि वोट बैंक की सियासत है। 5% लोग मान रहे थे निशाने पर अल्पसंख्यक हैं। और 38% लोग ये कह रहे थे कि कानूनी वजह के कारण ऐसा किया गया है। और 8% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु हैं स्वामी अमृतानंद और मुस्लिम स्कॉलर हैं सैयद असगर अली। सबसे पहले मैं सैयद साहब के पास चलता हूं। सैयद साहब, जरा बताइए कि असम के मुख्यमंत्री ने अगर ये फैसला ले लिया है, अंग्रेजों के जमाने की जो प्रथा है वो खत्म कर दिया है, तो इसमें आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? आपके समुदाय को तो कोई आपत्ति नहीं है? देखिए, पहले चीज तो ये देखना होगा कि मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ता ही क्यों। अच्छा, हमें ये समझना चाहिए कि नमाज बेसिकली एक कनेक्शन है जो उसका ईश्वर के साथ स्थापित करने का एक जरिया है जी। और ये एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं आपके दर्शकों को कि इस्लाम का ये मानना है कि सर्वप्रथम ईश्वरीय ग्रंथ या ईश्वरीय वाणी या ईश्वरीय धर्म जो धरती पर आया वो सनातन धर्म, शाश्वत धर्म है, वैदिक धर्म है, जिसे आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। और हिंदू धर्म से ही और उसके जो सार है उसमें भी एकेश्वरवाद को बल दिया गया है। वेद अखिलो धर्म मूलम, धर्म की जो बुनियाद है वो वेद पर है और वेद की जो शिक्षा है वो एकेश्वरवाद है। एकम ब्रह्म दिव्यति नास्ति नहना नास्ति किंचन। और उसी ईश्वर से राब्ता बनाने के लिए या उस ईश्वर से संपर्क स्थापित करने के लिए हिंदू धर्म में जो मिलता है, क्योंकि ये चीज तो वहीं से चली आ रही है, वो चीज ये मिलती है कि भक्त हनुमान ने श्री रामचंद्र जी से पूछा कि मैं ईश्वर की उपासना करना चाहता हूँ, उसकी प्रार्थना करना चाहता हूँ, वो मैं कैसे करूँ।
तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, क्या तुम इस सृष्टि को नहीं देखते कि सृष्टि का हर कण अपने वजूद से ईश्वर की प्रार्थना कर रहा है। तो उन्होंने कहा भक्त हनुमान ने कि नहीं, मुझे तो आप बता दीजिए। तो श्री राम जी ने कहा कि प्रथमम तारकम चेवा, सबसे पहले सीधे खड़े हो जाओ, द्वितीयम दंड मुच्यते, दूसरा तुम्हारा आसन ऐसा हो कि तुम्हारा माथा जमीन पर टिका हो, तृतीयम कुंडली कारकम, तृतीय पोजिशन तुम्हारी ऐसी हो कि तुम कुंडली मारकर बैठ जाओ, चतुर्थम अर्ध चंद्रकम, चौथी स्थिति ऐसी हो कि तुम आधे चांद बन जाओ, न पूरे झुके हुए हो न पूरे उठे हुए हो, पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम ज्योति रूपकम, पांचवी स्थिति तुम्हारी ऐसी हो कि तुम अपने ध्यान में चले जाओ। तो ये जो बताई गई है, जो कि उपासना की विधि जो बताई है श्री राम जी द्वारा, ये तो आपने नमाज टाइप की विधि बता दी। हाँ नहीं, मैंने तो नमाज का इस्लाम का नाम भी नहीं लिया सर, ये तो आपने अपने मन से कहा ना। हाँ। और ये इसलिए कहा, मैंने ये कहा कि ये वहीं से नहीं, आपने जो उसका प्रारूप बताया ना, वो मतलब नमाज का जैसा है, तो आपने शायद ये बताने की कोशिश की है कि श्री राम जी ने जो बताया वो नमाज जैसा था कुछ, हालांकि वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ। हाँ, मैंने आपको जो बताया उसके लिए संस्कृत का मंत्र भी पढ़ा, और मैंने ये भी कहा कि धर्म की बुनियाद वेदों पर होती है और एकेश्वरवाद है, क्योंकि ऐसा मैं नहीं मानता कि हिंदुओं का धर्म अलग, हिंदुओं का ईश्वर अलग हो, मुसलमान का ईश्वर अलग हो। सैयद साहब बहुत ज्ञानी लग रहे हैं आप तो, मतलब आपने आज जो ज्ञान की वर्षा की है, अब इस पर प्रकाश स्वामी अमृतानंद जी हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, वो डालेंगे। अमृतानंद जी बहुत सारे संस्कृत के श्लोक जो हैं वो सैयद साहब ने बता दिए, और ये बताया कि किस तरीके से जो सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म जिसे वर्तमान में हिंदू धर्म कहा जा रहा है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकली हैं और उन ब्रांचेस में से एक इस्लाम भी है। क्यों साहब, सैयद साहब यही बात कर रहे हैं ना आप? नहीं, धर्म तो एक ही है, ईश्वर एक ही है। ईश्वर एक ही है, लेकिन अलग अलग उनकी अलग अलग पद्धति है, उस पद्धति को अलग अलग तरीके से लोग मानते हैं, और बहुत सारे संस्कृत के श्लोकों का भी जिक्र उन्होंने किया है। तो अमृतानंद जी आप भी कुछ जरा आप कैसे इसकी व्याख्या करेंगे, आप क्या कुछ आयात सुन पढ़ के बताएंगे क्या? देखिए ये तो भजन की बात है, मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। एंकर साहब, मैं आपका नाम नहीं देख पा रहा हूँ, आपका नाम अगर मैं जान जाऊँ, असगर साहब का तो नाम दिख रहा है, सैयद असगर अली साहब। आपका एंकर साहब का? मेरा नाम मनोज मनु है। मनोज मनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रोग्राम रखे हैं, और मुझको बड़ी खुशी हो रही है कि असगर अली जी आज राममय हो गए हैं। लेकिन एक बात समझिए कि हमारे यहाँ भी त्रिसंध्या की उपासना की विधि है, है ना? तो कभी 70 साल में त्रिसंध्या के समय कोई विधानसभा का, लोकसभा का, राज्यसभा का कार्य रुकवाने की बात कही गई। ये दोगला चरित्र हमारे देश में क्यों चल रहा है जी? हम लोग भी तो त्रिसंध्या करते हैं, हम लोगों का त्रिसंध्या कभी खंडित नहीं होता, तो इन लोगों का नमाज कैसे खंडित हो जाएगा भाई? सही बात तो ये है कि ये जो एकेश्वरवाद का ये चर्चा चलाए हैं, ते तो कुफ्र कर दिया पूरा इन्होंने। अब ये असगर अली जी जो बोले हैं, या तो अलतकिया कर रहे हैं या पूरी तरह से कुफ्र कर रहे हैं उनके हिसाब से। भैया जिस तरह से इन्होंने कहा है उस तरह से तो भैया ये जो राम विग्रहवान जो बताया गया है कि स्वयं भगवान राम ही विग्रह के रूप में समस्त सनातन हिंदू धर्म के सामने प्रतिभाषित होते हैं, वो असगर अली के हिसाब से यदि हैं तब तो ये बुत परस्त हो गए। और ये एकेश्वरवाद की उपासना करें असगर अली, आप तो घर वापसी कर लीजिए। आप सही, मैं अपने बात कहूंगा, मेरे तन पे मैं अपनी बात नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। जी जी महाराज, जी महाराज, जी जी जी, आप कंटिन्यू रखिए। मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर सब ये कही है तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं की मूर्तियां तोड़ी गई, हिंदुओं को मारा गया, वहां पर असगर अली साहब का कोई बयान हो वहां से निकल के आया हुआ तो वो थोड़ा सा दिखा। मेरा बयान है, मेरा बयान है, मैं आपको डाल दूंगा कि आपको फिर पता नहीं होगा। नहीं, अमृतानंद जी मुझे लगता है कि यहाँ समझने की जरूरत है, यहाँ पर समझने की जरूरत है। यहाँ पर असगर अली साहब ये कह रहे हैं कि देखिए जो सनातन है उसी से बहुत सारी ब्रांचेज निकली हैं, उसी से बहुत सारे धर्म की बातें निकली हैं, और ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो पुराने पुरातन कालों में जो पौराणिक कथाएं हैं या जो तमाम वेद हैं उनमें इस बात का जिक्र मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, नमाज सुबह सुबह कैसे पढ़ते हैं? आप दोनों हाथों को मिला के पढ़ते हैं ना, सुबह सुबह दोनों हाथों को मिला के नमाज पढ़ते हैं।
लेकिन हिंदू धर्म में क्या लिखा है, हिंदू धर्म में भी सुबह सुबह जब उठते हैं तो दोनों हाथों को मिला के क्या पढ़ते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, करमूलेत गोरविंदा, प्रभाते कर दशनम। मतलब आपके हाथ में ही वो तमाम सारी चीजें हैं और आप उनको देखकर पढ़िए तो ये तमाम जो देवी देवता हैं उनका स्मरण आप करेंगे और वो अच्छा होगा। तो अब मुद्रा एक ही है, यहां समझने की जरूरत है, मुद्रा एक ही है, लेकिन ऐसे अगर पढ़ता है कोई व्यक्ति, ऐसे इबादत करता है तो खुदा की इबादत हो जाती है, वो नमाज हो जाती है। और ऐसे अगर हिंदू संस्कृत के श्लोकों के साथ अपने देवी देवताओं का नाम लेता है तो वो सनातन की स्तुति हो जाती है, हिंदू की प्रार्थना हो जाती है, देवताओं को याद करना कहा जाता है। अमृतानंद जी, इनका आशय ये है, मैंने संक्षेप में सरलता से आपको समझा दिया, क्यों सही है साहब गलत बोल रहा हूँ क्या? एक लाइन फिर अजगर साहब को दे दीजिए। सही है साहब गलत बोल रहा हूँ जी? एक लाइन मुझको बोलने दीजिए केवल। जी बोलने बोलने दीजिए महाराज, मेरे बड़े हैं, बोलने दीजिए। बोलिए अमृतानंद जी। एक लाइन केवल बोल रहा हूँ कि अजगर साहब आज ये प्रस्तावित करें कि हम लोगों का सनातन हिंदू धर्म में त्रिसंध्या होती है और हर रोज होती है, और हर रोज के हिसाब से दोपहर मध्यान्ह काल में संध्या करने की छूट मिलनी चाहिए जी। हमारा मेरे कन पे मैं बोलूंगा, आपकी बात हो गई जी। जी सही है साहब, अब अमल निगम की बात हो गई, आप बोल दीजिए। इतना ही बोलना था जी। हाँ जी, मैं बता देता हूँ। देखिए नमाज में प्रथम दृष्टया तीन चीजें होती है, मंत्र, योग और ध्यान, है ना। और जो नमाज का जो प्रारूप है वो प्रारूप मैंने श्री राम जी से आपको कर दिया कि वहां से यह आया है। नंबर तीन, जो नमाज शब्द है, आप हैरानी होगी, नमाज शब्द अरबी का नहीं है, अरबी में इसको सलात कहते हैं। नमा प्लस अजा, अजन्मे के आगे नमना यानी झुकने शब्द नमाज है, जिसको आज बड़े प्रेम से मुसलमान बोलता है, वो शब्द ही संस्कृत का है सर। यहाँ पर मैं राज कर दूं। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि जहां तक आपने श्री रामचंद्र जी की बात की के, तो श्री रामचंद्र जी का जो तारक मंत्र है, जो मुक्ति मंत्र है, राम रामाय नमः, राम का जो राम है उसके आगे झुको, श्री रामचंद्र जी ने यही कहा। तो जहां तक मूर्ति पूजा की जो बात है, साकार उपासना सनातन धर्म में कहां से आ गई, इस तरीका मेरे पास मौजूद है, तभी मौका हुआ तो उस पर मैं बात करूंगा। अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, मैं संसद भवन में जो कुछ भी हो रहा है उसकी मैं मानता हूं कि आपको आदेश की पालना करनी चाहिए, और जुमे की और शुक्रवार की जहां तक नमाज का मामला है, हो सकता है कि वो उनके लंच टाइम में आ जाए, लंच टाइम कुछ इधर उधर कर ले, बैलेंस आपको करना पड़ेगा, आपको कानून मानना चाहिए। तीसरी चीज ये कि गुलाम जो है या जो नौकर है उस पर जुमा की छूट है इस्लाम में। अगर मैं अर जाऊं कि नहीं मैं तो जुमा पढ़ूंगा और ये क्या हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको जानकारी नहीं है, आपके दर्शकों को मैं पूरी जिम्मेदारी से बताऊंगा कि इस्लाम में नौकर के ऊपर जुमे की नमाज छूट है, बच्चे को नमाज से छूट है, औरत को नमाज से छूट है, बीमार को नमाज से छूट है शुक्रवार की, और मुसाफिर जो है यात्री उसको नमाज से छूट है, और जो किसी का नौकरी कर रहा है अगर उसके लिए पॉसिबल नहीं है तो उसको भी नमाज से छूट है, एडजस्टमेंट से सब कुछ हो सकता है। तीसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि मैं ये कह रहा हूं कि सनातन धर्म प्रथम धर्म है इस धरती पर, और अंतिम जो है उसकी कड़ी आप कुछ भी कह लें, वो जिसको कहते हैं इस्लाम, ये अंतिम इस्लाम है, ठीक है, या इस्लाम। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपके और मेरे माता पिता अलग नहीं है, आप और मैं एक माँ जाई भाई है दोनों। रामायण की एक चौपाई में सुनाना चाहता हूँ, संवयम भू मनु अरु शत रूपा, जिने ते भे नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नी का, अजहु गाँव श्रुति जिने के लेका। पंडित जी को मैं स्पेशल आपको समर्पित करना चाहता हूँ, संवयम भू मनु अरुषत रूपा, जिने ते भे नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नी का, अजहु गाँव श्रुति जिन्हें के ली का, जो वो संवयम भू मनु यानी खुद से पैदा हुआ मनु, अमृतानंद जी पत्नी शत्रुपा सो रूप वाली, अमृतानंद जी आज तो आज तो ये प्रणाम कर लीजिए इनको आप, आज तो सही है साहब को आपको प्रणाम करना पड़ेगा। और जहां तक मतलब जितनी व्याख्या आप राम में नहीं कर पाएंगे, जितनी व्याख्या सनातन की आप उतनी अच्छी नहीं कर सकते, उतनी अच्छी व्याख्या सैयद असगर अली कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे सैयद साहब रहेंगे, ऐसे मुस्लिम रहेंगे, तो शायद लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो इस्लाम दिखाया जाता है, तमाम ऐसे मौलाना है जो इस्लाम की कुछ अलग ही तरीके से व्याख्या करते हैं, और जब उस तरीके से गलत व्याख्या होती है तो गलत संकेत भी जाते हैं। मैं आपके पास आऊंगा, सर्वे के दो सवाल और ले लूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दो और सवाल ले लेते हैं।
एक और सवाल था कि हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने मुस्लिमों के निकाह तलाक का सरकार में रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया, आपकी राय क्या है? 64% लोगों ने कहा सही कदम है, 10% लोगों ने कहा गलत कदम है, 13% लोगों ने कहा यूसीसी की तरफ ये कदम है, और 5% लोग मजहबी मामलों में दखल देने की बात कर रहे थे, 8% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या हेमंता बिस्वा शर्मा को मुस्लिमों के बहुविवाह पर पाबंदी वाला कानून बनाना चाहिए? 74% लोगों ने कहा, 26% लोगों ने कहा ना। अमृतानंद हमारे साथ मौजूद है, अमृतानंद जी अपनी बात करिए। जनता ने ही जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं जी कि ऐसी क्या बात है कि असम में मात्र 12 साल में 8% से बढ़कर के 40% मुस्लिम हो गए। क्या वो घुसपैठियां हैं, क्या उनकी संख्या बेतहाशा अनियंत्रित होकर के वृद्धि को प्राप्त हो रही है, क्या कोई बहुत बड़े कट्टरवाद को वहां पर जन्म देने की तैयारी चल रही है, इस सब की जांच। हालांकि हेमंता बिस्वा शर्मा के एक और बयान मैंने अभी अभी सुना कि वो श्वेत पत्र जारी करने की बात कर रहे हैं। हाँ। तो श्वेत पत्र जारी करेंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है कि अगर मात्र 12 साल में 5 गुना आबादी मुस्लिम की बढ़ रही है, तब तो ये तो आप जानते ही है कि थोड़े दिन में ये क्या करते हैं। आप कहीं पर भी देख लीजिए, थोड़े दिन में क्या करते हैं, 57 देशों के इतिहास है उसमें से पूरा उठा करके देख लीजिए। नहीं, थोड़े दिन में क्या करते हैं तो बताओ, थोड़े दिन में क्या करते हैं? वही तो करते हैं जो बांग्लादेश क्या करते हैं, 24% से 30% पे आ गए ना हिंदू, मारे मारे डोल रहे हैं, वही करते हैं। अजगर अली साहब जवाब दे दीजिए, कह रहे हैं वो करते हैं, आप जवाब दे दीजिए। जी हाँ, वो मैं देखिए, ये मेरे बड़े हैं, महाराज हैं, धर्म गुरु है, मैं इनका आदर करता हूँ, लेकिन इनकी भाषाओं से यह परिचित होता है कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। कोई बात नहीं, देखिए अगर 25 से 30 हो गए, 30 से 40 भी हो जाएंगे तो उसमें क्या मसला है। हमारे देश की आबादी निरंतर बढ़ रही है और ये एक ज्वलंत इशू है, और इसको आप, मुझे याद पड़ता है आपकी टीवी ने चलाया था, किसी महाराज ने कहा था कि हिंदू धर्म की जो आप नारियां हैं वो 2 बच्चे पैदा कर रही है, 4 बच्चे करो, 6 बच्चे करो, अपने तो जितने भी हिंदू धर्म के देवता तो, है ना, जो बोलते हैं कि 8 बच्चे पैदा किए, 6 बच्चे कर दो, उनके तो 1 ही 2 हैं, वो खुद 1-2 करते हैं, दूसरे लोगों को संकेत देते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि इसको जरा सर शिक्षा से जोड़ना चाहिए मनोज सर, जहाँ पर शिक्षित मुस्लिम हो उनके बच्चे कम है, चाहे वो 2 ही हो, बेंगलोर देख लो, कलकत्ता देख लो और कोई दूसरी सिटी देख लो, और जहाँ अशिक्षित हिंदू है वहाँ उनकी भी आबादी ज्यादा है, चाहे वो बिहार हो, पटना हो, ये शिक्षा से जुड़ा हुआ, ये शिक्षा और जागरूकता से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन उसको लोग अपने अपने हिसाब से लोग डाइवर्ट कर देते हैं, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ है। लेकिन बहुत अच्छी चर्चा हुई और सैयद असगर अली साहब ने आज बहुत अच्छा संकेत भी दिया, बहुत सारी चीजें दी, मुझे लगता है कि अगर इस तरह के लोग होंगे तो शायद ये समाज में एक संकेत जाएगा, समरसता का भाव दिखाई देगा, सांप्रदायिक सद्भाव बना रहेगा, और गंगा जमुनी तहजीब जिसके बारे में हिंदुस्तान को लेकर लोग जानते हैं, निश्चित तौर पर उसके संकेत भी नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत,